ऑफ का यूज हम तब करते हैं जब हमने सेपरेशन यानी कि कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है या सेपरेट हो रही है, तो हम वहां पर यानी कि सेपरेशन शो करने के लिए या ऊपर से नीचे के एक्शन को शो करने के लिए जो है हम ऑफ का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ बटन ऑफ माई शर्ट कम ऑफ, यानी कि सेपरेशन की जो बटन है वो मेरी शर्ट से टूटकर गिर गया है. सेपरेशन, ही फेल ऑफ द बाइक, वो बाइक से नीचे गिर गया. फ्रॉम अप टू डाउन, यानी कि जब मैंने कहा कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ एक्शन शो करते हैं तब हम ऑफ का यूज करते हैं. यूज ऑफ फ्रॉम, फ्रॉम का यूज हम किसी स्थान से, यानी कि इसके लिए यूज करते हैं किसी स्थान से, यानी कि शी केम बैक फ्रॉम टोक्यो, वो टोक्यो से वापिस आ गया है. स्थान से, किसी स्थान से, प्लेस के साथ. शी यू शुड स्टार्ट दिस वर्क फ्रॉम टुमारो, यानी कि जब हम इनडेफिनेट टाइम पीरियड की बात करते हैं तो हम वहां पर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, जैसे इनडेफिनेट टाइम यानी कि इनडेफिनेट टेंस में जब हम समय की बात करते हैं तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं. यू शुड स्टार्ट दिस वर्क फ्रॉम टुमारो. अगर हम किसी प्लेस फ्रॉम डॉन टू डस्क, यानी कि वो सुबह से शाम तक खेला, तो हम यह कहेंगे कि जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं. और किसी सोर्स को, यानी कि सोर्स को शो करने के लिए, जैसे लाइट कम्स फ्रॉम द सन, लाइट कहाँ से आ रही है, सन से, तो सन इज अ सोर्स, तो हम यहाँ पर फ्रॉम द सन यानी कि फ्रॉम का यूज करेंगे. यूज ऑफ सिंस, सिंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में निश्चित समय के साथ, जब आप टाइम के लिए डेफिनेट हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आपके पास, यानी कि जब आप डेफिनेट टाइम पीरियड को शो करना चाहते हैं तो आप सिंस का यूज करते हैं. आई नो डेनियल सिंस 1991, मैं डेनियल को 1991 से जानता हूँ, यानी कि परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. यूज ऑफ फोर, हम फोर का यूज कब करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गिनती वाले, परफेक्ट टेंस में गिनती वाले समय के साथ. गिनती जब हम आती है तो हम फोर का यूज करते हैं गिनती वाले समय के साथ. लाइक एना हैज, जिसे आप काउंट कर सकते हैं, एना हैज बीन लिविंग हियर फॉर 2 वीक्स, इनडेफिनेट टाइम पीरियड. डैनियल बॉट अ वॉच फोर, आप गिनती कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं एक्सचेंज के लिए, यानी कि जब हम कहें कि हम एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेने के लिए जाते हैं, एक्सचेंज करते हैं किसी चीज को, तब हम कहते हैं एना बॉट अ वॉच फॉर ₹1000 और $1000. आई डिड इट फॉर योर सेक, फॉर द पर्पस, जब कोई हम पर्पस शो करना हो तो हम यहाँ पर, यानी कि किसी उद्देश्य के लिए, तो हम वहां पर फॉर का यूज करते हैं. लाइक आई डिड इट फॉर योर सेक, मैंने तुम्हारे लिए जो है ये काम किया है, उद्देश्य. अब हम देखेंगे कि कैसे हम आफ्टर का यूज कर सकते हैं. आफ्टर, आफ्टर का मतलब क्या होता है, के बाद, आफ्टर के बाद, बिहाइंड पीछे की ओर. यूज ऑफ आफ्टर के बाद, She comes home after 10 a.m. के बाद, यानी कि वो घर आया 10 बजे के बाद. After 10, after के बाद. The dog ran after the cat. Chase, जब हम किसी chasing की बात करते हैं, यानी कि order को प्रकट करने के लिए कि उसके पीछे क्रम की बात करते हैं. The dog ran after the cat, जो कुत्ता है वो बिल्ली के बाद. After. Use of behind. Behind का मतलब पीछे की ओर. The lady stood behind the wall. The train is behind time. यानि कि पीछे है, अपने समय से पीछे है. Towards, towards की ओर, यानि कि direction की जब हम बात करते हैं, की ओर. He went towards the post office. यानि कि वो जो है post office की ओर गया है. जरूरी नहीं है कि यहाँ पर पोस्ट ऑफिस हो, आप किसी भी डायरेक्शन, जो भी, अगर आप किसी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं तब हम टूवर्ड्स का यूज करते हैं. यूज ऑफ ओवर, बहुत ऊपर, यानी कि आप किसी से बहुत ऊपर जब हम बात करते हैं तब हम ओवर का यूज करते हैं. लाइक द स्काई इज ओवर आवर हेड, हमारे सिर से बहुत ऊपर की तरफ जो है वो स्काई है. यूज ऑफ अबव, जब आप मतलब सिर्फ ऊपर की बात करते हैं, बहुत ऊपर की नहीं, सिर्फ ऊपर की बात करते हैं तब हम अबव का यूज करते हैं, और जब हम बहुत ऊपर की बात करते हैं तब हम ओवर का यूज करते हैं. अबव, द स्विमर हेड्स वॉज अबव वाटर, सिर्फ ऊपर, यानी कि जो स्विमर का हेड है वो पानी से ऊपर है. यूज ऑफ बिटवीन, जब आप किसी चीज को डिवाइड कर रहे होते हैं दो जनों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, तब हम बिटवीन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड दीज एप्पल इन बिटवीन टू सिस्टर्स, यहाँ पे कितनी सिस्टर्स हैं, टू. तो जब हम दो जनों की बात करते हैं, कोई डिवाइड की बात करते हैं,
जब हम एक चीज को दो जनों के बीच में डिवाइड कर रहे होते हैं तब हम बिटवीन का यूज करते हैं. बिटवीन टू रूल्स वी कम टू ग्राउंड. और जब हम दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में या दो से अधिक के बीच में कोई चीज डिवाइड करना होता है तो हम वहां पर अमंग का यूज करते हैं. बिटवीन का यूज सिर्फ दो जनों के साथ होता है और अमंग का यूज दो से ज्यादा के साथ होता है. लाइक डिवाइड दीज एप्पल्स अमंग द 30 गर्ल्स. यहाँ पर कितनी लड़कियां हैं? 30. तो जब भी आप दो से ज्यादा की बात करेंगे और डिवाइड की बात करेंगे तो हम अमंग का यूज करेंगे. नेक्स्ट हम देखेंगे बिटवीन. सॉरी, अब हम चलते हैं फ्रेज प्रपोजिशंस की ओर, यानी कि कहाँ पे हम फ्रेज प्रपोजिशंस का यूज करते हैं. यूज ऑफ, अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, फॉर द सेक ऑफ. अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू यानी कि मेरे अनुसार, अनुसार, अकॉर्डिंग टू, ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, जो उसने मेरी सलाह के अनुसार कार्य किया, यानी कि उसने जो है मेरी सलाह मानी और उसके अनुसार जो है वो काम किया. यूज ऑफ बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ यानी कि कारण से. ही लेफ्ट द जॉब बिकॉज ऑफ बैड हेल्थ, यानी कि कारण से. अब हम इसकी हिंदी कहेंगे, उसने बुरे स्वास्थ्य के कारण यानी कि नौकरी छोड़ दी. यानी कि उसने जो उसका कारण है वो ये है कि उसका जो हेल्थ है वो बुरा है. तो बिकॉज ऑफ का यूज करेंगे जब हम कोई कारण बता रहे होते हैं. यूज ऑफ बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ का मतलब के द्वारा, यानी कि जब हम किसी की हेल्प से कोई चीज करते हैं तो उसे हम कहते हैं बाय मीन ऑफ. बाय मीन्स ऑफ द रोप द थीफ रीच द रूफ ऑफ द हाउस, यानी कि रस्सी की मदद से, रस्सी की हेल्प से, रस्सी की के द्वारा जो है जो चोर था वो घर की छत पर चढ़ गया. बाय मीन्स ऑफ रोप द थीफ रीच द रूफ ऑफ द हाउस, रस्सी के द्वारा चोर मकान की छत पर पहुंच गया. इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ होते हुए, यानी कि इसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ बावजूद. इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल मिस्टर एंडरसन डिड द वर्क, यानी कि बीमार होते हुए भी पांडे जी या मिस्टर एंडरसन ने जो है वो अपना काम किया, अपना कार्य किया था. तो हम कहेंगे इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद, बीमार होने के बावजूद भी. ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ भी कारण के लिए यूज होता है. ऑन अकाउंट ऑफ हार्ड वर्क His wealth broke down, यानी कि कठिन परिश्रम करने के कारण, बहुत ज्यादा मेहनत करने के कारण उसका स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ गया. तो जब हम जहाँ पर कारण की बात करते हैं तो हम because of और on account of की बात कर सकते हैं. For the sake of के लिए, यानी कि मैं कहूँ for example John suffered much for the sake of my brother, यानी कि मेरे भाई के लिए John को बहुत कष्ट उठाना पड़ा. यानी कि किसी के लिए जब हम कोई काम करते हैं फॉर द सेक ऑफ, तो हम यहाँ पर फॉर द सेक का यूज करते हैं. जॉन सफर्ड मच फॉर द सेक ऑफ माय ब्रदर. नेक्स्ट हम चलते हैं इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ सामने की ओर, इन फ्रंट ऑफ सामने. द क्लॉक टावर इज इन फ्रंट ऑफ रिचर्ड हाउस, यानी कि जो क्लॉक टावर है वो रिचर्ड हाउस के बिल्कुल सामने है, सामने की ओर. इन केस ऑफ, इन केस ऑफ दशा में, जब हम किसी दशा को मतलब बताते हैं कि ऐसी दशा में, इन केस ऑफ नीड, आवश्यकता पड़ने पर, यानी कि आवश्यकता की दशा में, ही ऑलवेज कम टू मी, वो हमेशा मेरे पास आता है. आवश्यकता पड़ने पर वो हमेशा मेरे पास आता है. इन केस ऑफ, ओइंग टू, ओइंग टू यानी कि कारण से. ओइंग टू इल हेल्थ एथन रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस, यानी कि खराब स्वास्थ्य के कारण उसने व्यापार से अवकाश, यानी कि अपने बिजनेस से जो है वो रिटायरमेंट ले ली है. इन ऑर्डर टू के लिए, इन ऑर्डर टू, द ट्रेवलर ले डाउन ऑन द रोड इन ऑर्डर टू टेक रेस्ट, यानी कि ट्रेवलर जो था, यानी कि विश्राम करने के लिए यात्री, जो भी ट्रेवलर था यात्री, वो है वृक्ष के नीचे लेट गया. यानी कि द ट्रेवलर ले डाउन ऑन द रोड, या फिर रोड पर, सड़क पर जो है वो लेट गया. आराम करने के लिए जो यात्री है वो सड़क पर लेट गया. तो हम यह कहेंगे ओइंग टू, इन ऑर्डर टू, के लिए, आराम करने के लिए. ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ और से, जैसे कि मैं किसी की और से कहीं जाऊं तो हम कहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ हर फ्रेंड एना अपोलोजाइज, यानी कि अपनी फ्रेंड, मतलब अपनी फ्रेंड की ओर से जो एना है वो
उसने क्षमा मांगी ऑन बिहाफ ऑफ हर फ्रेंड, अपनी फ्रेंड की वजह से, यानी कि अपनी वजह से नहीं अपनी फ्रेंड की ओर से जो है उसने, एना ने जो है वो अपोलोजाइज किया, क्षमा मांगी. ड्यू टू यानी कि कारण, जॉन फेल इल ड्यू टू ओवर डाइट, वो बहुत ज्यादा काम करता है, वो बहुत ज्यादा खाना खाता है, तो इसकी वजह से वो बहुत बीमार हो गया है इसी कारण से. विद रेफरेंस टू संदर्भ में, जब हम किसी की रेफरेंस में बात करते हैं, विद रेफरेंस टू द एम्प्लॉयज लेटर लेट मी इन, यानी कि जो एम्प्लॉयज ने आपको लेफ्ट रेफरेंस लेटर दिया है उसकी, उनकी तरफ से जो लेटर आपके पास आया है उस वजह से मुझे जो है उनके संदर्भ में मुझे है मेरी शर्तों पर या मुझ पर जो है वो ध्यान दीजिए. तो हम ये कह सकते हैं उस संदर्भ, उस लेटर के संदर्भ में कृपया मेरी और ध्यान दीजिए. विद रेफरेंस टू द एम्प्लॉयज लेटर लेट मी इन. इंस्टेड ऑफ के स्थान पर, यानी कि जब हम किसी चीज को छोड़कर किसी और चीज की तरफ मूव करते हैं तो हम के स्थान पर, बजाय, इसके बजाय हम ऐसा काम कर लेते हैं. इंस्टेड ऑफ नोवल ही रीड द होली बाइबल, यानी कि उपन्यास के स्थान पर, यानी कि नोवल की जगह पर उसने, नोवल की बजाय उसने जो है बाइबल पढ़ा या बाइबल पढ़ी. तो हम ये कहेंगे इंस्टेड ऑफ नोवल ही रीड द होली. तो आई एम श्योर यू आर क्लियर अबाउट द प्रेपोजिशन. थैंक यू.